एवरीडे प्रेजेंटिंग वर्ल्ड वॉर जी। इस वीडियो की शुरुआत में हमें जेरी नाम का एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपने परिवार के साथ ट्रैफिक में फंसा होता है और टाइम पास के लिए अपने परिवार के साथ मजाक कर रहा होता है। तभी अचानक से आसमान में कुछ हेलीकॉप्टर उड़ता देखकर थोड़ा सा घबरा कर कार से बाहर आ जाता है और देखता है कि इतना ट्रैफिक जाम क्यों है। तभी एक पुलिस वाला आकर उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है और अचानक से एक ट्रक उस पुलिस वाला को कुचलकर चला जाता है। वो ट्रक बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता है। जेरी भी इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उस ट्रक के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद जेरी का गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आती है। तभी उस वक्त जोम्बी का एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ये जोम्बी अपने रास्ते पर आने वाले सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। और जेरी यहाँ पर एक बात नोटिस करती है कि एक नॉर्मल इंसान जोम्बी के काटने की ठीक 15 सेकेंड बाद वो इंसान भी खुद एक जोम्बी बन जा रहा है और ये जोम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। खैर किसी भी तरह से जेरी अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहां से भाग जाता है और एक हाईवे पर पहुंच जाता है। तभी जेरी को एक कॉल आता है और वो कॉल उसके दोस्त का होता है। बेसिकली ये दोस्त भी CIA का हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके। तभी जेरी का दोस्त कहता है कि ऐसा कोई शहर नहीं बचा जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। 1 घंटे बाद तुम लोग किसी भी बिल्डिंग के छत पर जाकर हमें सिग्नल देना ताकि हमारा आर्मी तुम लोगों को रेस्क्यू कर सके। ओवरऑल जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग के छत पर एक हेलीकॉप्टर आनी है जो इन लोगों को रेस्क्यू करेगा। तभी ये बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। आसपास बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। उसमें से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बी जेरी को मारने वाला ही होता है। तभी जेरी उसे पहले से ही मार डालता है लेकिन मारते मारते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से जेरी को लगता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए जेरी उस बिल्डिंग के छत पर जाकर कूद कर जान देने वाला ही होता है, यानी कि वो सुसाइड करना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो एक ज़ॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली और दूसरे लोगों को किसी भी किस्म का हार्म पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज़्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना होता है। तभी जेरी को एहसास होता है कि ब्लड या लिक्विड मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और उसी समय छत पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो इसके दोस्त ने भेजा होता है और इस हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए आर्मी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर पर बैठाकर एक सेफ जगह ले आते हैं। और यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलता है और उसका दोस्त बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस हर जगह फैला हुआ है और तमाम कंट्री इस वायरस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जेरी पूछता है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो जेरी का दोस्त बताता है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था किसी को नहीं पता, लेकिन इसका जिक्र सबसे पहले साउथ कोरिया के एक ईमेल में हुआ था, इसीलिए हम लोग वहाँ एक टीम भेजकर उसकी छानबीन करेंगे। और यहाँ पर इन सब के कर्नल भी आ जाते हैं और वो जेरी को साउथ कोरिया भेजना चाहते हैं ताकि जेरी छानबीन में इन टीम की मदद कर सके। कर्नल कहते हैं जब ये कहाँ से शुरू हुआ था पता चल जाएगा तो हम लोग इसका वैक्सीन भी बना लेंगे। लेकिन जेरी वहाँ जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तो कैप्टन कहते हैं यहाँ जो भी लोग हैं हमें उन लोगों की ज़रूरत है। जहाज पर अनावश्यक लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। या तो तुम्हें साउथ कोरिया जाना होगा या फिर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जहाज से उतरना होगा। तभी जेरी थोड़ी देर सोचता है और अपनी फैमिली के साथ बात करता है और साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। इन लोगों के साथ एक साइंटिस्ट को भी लिया जाता है जो काफ़ी अरसे से ज़ॉम्बी वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। तभी डर के मारे वो साइंटिस्ट भागने लगता है।
और उसका पैर फिसल कर उसकी बंदूक की गोली उसके सर पर लग जाता है और वो साइंटिस्ट वहीं मर जाता है। और यहाँ पर कोरियन फौजी इन लोगों को लेने के लिए आ जाती है और ये सब लोग एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। जेरी उनके कैप्टन से पूछता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ से एक ईमेल गया था जिसमें जोम्बी का जिक्र हुआ था, हम लोग जोम्बी के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वो कैप्टन जेरी को बताता है कि ये जो लाश तुम देख रहे हो, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी है, ये जोम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस कैप्टन से पूछता है कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसके वजह से ये पहली बार जोम्बी बना था। लेकिन वो कैप्टन इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता था तो वो कुछ भी नहीं बता पाता। अभी यहाँ से ये सब लोग जाने लगते हैं, तभी जेल में बैठा हुआ एक आदमी इन सब को होने वाले इंसिडेंट के बारे में बहुत सी बातें बताने लगता है, जैसे कि इसराइल अपने मुल्क के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है क्योंकि इसराइल पहले से ही जानता था कि ये जोम्बी अटैक होने वाला है। ये खबर उन्हें पहले से ही था। अगर इस वायरस के बारे में तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम्हें इसराइल जाना होगा, एक आदमी से मिलना होगा जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। उसके कहने के अनुसार जेरी इसराइल पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई भी क्लियर आंसर नहीं देता है। और इनके बातों के दरमियान वहाँ के लोकल लोग एक फेस्टिवल इंजॉय कर रहे होते हैं जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है जहाँ शोर शराबा होता है जोम्बी उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ आने लगते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थी तो इसके बात पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता और उसी वक्त बहुत से जोम्बिस उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस दीवार को लांघने लगते हैं। अभी तो इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन वो जोम्बिस उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जोम्बी बनते जा रहे थे। लेकिन जेरी यहाँ पर फिर एक बात नोटिस करता है कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग यानी कि जो जोम्बी बन चुके होते हैं वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे लेकिन बहुत से लोगों को छोड़ भी रहे थे, यानी कि वो टच भी नहीं कर रहे थे। और ऐसा क्यों होता है जो कि स्टोरी में थोड़े आगे रिवील होने वाला है। खैर उस वक्त वहाँ की लोकल आर्मी का एक प्लान आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका होता है लेकिन उसे अभी भी सुकून नहीं आया होता है। वो गौर करता है कि उस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में एक वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद है। वो एक दूसरे को आपस में काट रहे होते हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा होता है। ये सब लोग अपना बैग और लगेज को प्लेन के दरमियान वाले हिस्से पर रख देते हैं ताकि उन जोम्बिस को ये सब नजर ना आए। लेकिन बाय मिस्टेक एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है जिसकी वजह से शोर होता है और जोम्बी शोर की तरफ तो अट्रैक्ट होते हैं और सब जोम्बिस इन पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग उन जोम्बी से बचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जेरी उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक ग्रेनेड निकाल कर उस प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और इस प्लेन क्रैश में सिर्फ दो लोग बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सेकंड है। ये दोनों काफ़ी जख्मी हो चुके होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से WHO की रिसर्च फैसिलिटी पर पहुंच जाते हैं। जेरी को यहाँ फास्ट एड दिया जाता है और WHO की डॉक्टर्स के पूछने से जेरी बताता है कि बेसिकली मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूँ ताकि इस वायरस को रोका जा सके जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी, जब भी इन्फेक्टेड जोम्बिस दूसरे इंसान पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं क्योंकि ये लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। वो जोम्बिस उन बीमारियों को बहुत जल्दी भाव लेते थे और उन लोगों को छोड़ देते थे क्योंकि जोम्बिस सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्टेड करते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये जोम्बिस बहुत स्मार्ट है, पहले से ही बीमार हुए शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बेसिकली ये सब लोग
डॉक्टर्स होते हैं तो वो उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक प्रूफ चाहिए। हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन जोम्बिस के सामने जाए और अगर वो जोम्बिस उन आदमी पर अटैक नहीं करते हैं तो इसका मतलब तुम्हारी थ्योरी ठीक है। खैर, जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पड़ी हुई थी वो उस फैसिलिटी के उस पर्सन में थी जहाँ पर पहले से ही सब लोग जोम्बिस बन चुके होते हैं। ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पर्सन के अंदर जाते हैं। इसके वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब जोम्बिस इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी वहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उस पर्सन के अंदर होता है। वो बहुत से जोम्बिस से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं वो सारी बैक्टीरिया वाली वैक्सीन पड़ी होती है। वो वैक्सीन उठाकर बाहर आने लगता है कि गेट के बाहर एक जोम्बी आ जाता है और जेरी यहाँ पर डिसाइड करता है कि इस वैक्सीन को खुद के अंदर इंजेक्ट करनी होगी। इस बैक्टीरिया वाली वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अब अनजाने में ही सही, लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और सामने खड़ा हुआ जोम्बी जेरी पर बिल्कुल ही अटैक नहीं करता है, क्योंकि जेरी अब बैक्टीरिया वाली वैक्सीन से पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है और ये जोम्बी किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो या फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार का बीमारी हो। जेरी जोम्बी के दरमियान से निकलता हुआ उस वैक्सीन को लाकर उन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को देता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि उनके पास इस जोम्बी वायरस का क्योर है। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है और उनको उस वैक्सीन को देता है और अपनी दोस्त को भी देता है। और फिल्म के अंत में कहा जाता है कि ये कोई अंत नहीं है, ऐसा हमारा रियल लाइफ में भी हो सकता है, इसीलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाता है।